गुड मॉर्निंग छात्रों, आज बीए थर्ड ईयर में हम आपको अरस्तु को पढ़ा रहे हैं और इसमें अरस्तु के ऊपर हम उसके सामाजिक विचारों को जानेंगे कि अरस्तु ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। अरस्तु ने बताया है कि समाज जो जिसमें हम रह रहे हैं पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में व्यक्ति रहता है, समाज में रहना मनुष्य का धर्म है। अरस्तु ने एक बात और भी बताई है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है उसे समाज का उपयोगी सदस्य नहीं समझना चाहिए, वो व्यक्ति या तो देवता हो सकता है या कोई पशु हो सकता है। यहाँ हम अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था में दास प्रथा को देखेंगे, अरस्तु के परिवार पर विचार देखेंगे और देखेंगे कि अरस्तु ने संपत्ति पर क्या कहा है, संपत्ति के बारे में क्या विचार अरस्तु के रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस समय की प्रचलित दास प्रथा की बात कर रहे हैं कि अरस्तु के समय में यूनान के अंदर दास प्रथा प्रचलित थी। दास से समाज की व्यवस्था का अंग माने जाते थे, दास के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं था। अरस्तु जैसे महान वैज्ञानिक और क्रांतिकारी विचारक ने दास प्रथा का औचित्य पूर्ण समर्थन किया है, उचित ठहराया है, तर्कपूर्ण दृष्टि से उसको आवश्यक समझा है उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए। तो हमें जानना है कि दास प्रथा क्या है। दास प्रथा, जैसे कि आपको पता है कि दास वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, दूसरे रूप में हम कह सकें कि जो दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, जो स्वयं के ना होकर के दूसरे के लिए हैं, अरस्तु की दृष्टि में वो दास हैं। अरस्तु उन लोगों को दास कह रहा है, स्लेव कह रहा है, जिनका सिर्फ शारीरिक विकास हुआ है, बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, वो दास हैं अरस्तु की दृष्टि में। अरस्तु ने समाज को हम देख रहे हैं कि दो भागों में बांट दिया है, एक तो शासक वर्ग यानी स्वामी वर्ग और एक है दास वर्ग। बता रहा है अरस्तु कि शासक जो वर्ग है उसके पास तो विवेक है, बुद्धि है, कार्य करने की क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, लेकिन जो दास वर्ग है उसमें सिर्फ शारीरिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता का उसमें गुण नहीं है, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो अरस्तु ने उसी दास प्रथा पर अपने विचार दिए हैं। तो जानना है कि अरस्तु ने दासता पर क्या कहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि अरस्तु ने दासता को उचित माना है, तर्कपूर्ण माना है, आवश्यक माना है और इस दासता को प्राकृतिक व्यवस्था के लिए, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक माना है। प्राकृतिक व्यवस्था के लिए जरूरी इसलिए माना है कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, प्राकृतिक व्यवस्था थी, दास प्रथा पर टिकी हुई थी, दास जरूरी थे, बिना दासों के लिए समाज में उपयोगी कार्य नहीं हो पाते थे और स्वामी वर्ग के लिए अवकाश भी नहीं मिल पाता था। अवकाश से मतलब छुट्टियों से है और उन कार्यों को करने से है जो अपने आप में साध्य हैं। तो यहाँ एक स्वामी वर्ग के लिए समय जब मिलेगा और जब स्वामी वर्ग के जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों को दास के द्वारा किया जाएगा, शारीरिक कार्य जो भी हैं एक तरीका से दास के द्वारा होंगे, उनके घर घरेलू काम हैं, इसके अलावा उनकी खेती बाड़ी के जो भी काम हैं वो जब दास करेगा तो स्वामी वर्ग के पास पूरा समय राज के कार्यों के लिए मिल पाएगा। और इसीलिए क्या है कि उस समय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस दासता का समर्थन अरस्तु कर रहा है। दूसरी बात, अरस्तु ये भी कह रहा है कि ये दास प्रथा समाज के लिए भी लाभप्रद है, समाज के लिए लाभप्रद इसलिए मानी गई है कि उस समय समाज में व्यवस्था बनी हुई थी, समाज में यदि दास लोग काम नहीं करेंगे तो एक तरीका से समाज का जो जो पहले से चला रहा जो नियम था वो भंग हो सकता था, इसलिए अरस्तु ने समाज के लिए भी लाभपूर्ण माना है, उपयोगी माना है इस दास प्रथा को। दास प्रथा का अगला औचित्य ठहराया है कि दासता नैतिक है, यानी दास प्रथा स्वयं दासों के लिए भी नैतिक है। दासता के होने से दासों में नैतिकता आती है, सदाचार के गुण आते हैं और उनका जो जीवन है नैतिक बन जाता है, ऐसा अरस्तु मान रहा है, इस दासता को औचित्यपूर्ण ठहरा रहा है। उस समय की अर्थव्यवस्था का आधार थी दास प्रथा, क्योंकि अर्थव्यवस्था दासों पर टिकी हुई थी। अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो उस समय अरस्तु ने बताया है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सजीव संपत्ति और एक होती है निर्जीव संपत्ति।
निर्जीव संपत्ति में अपने जो मकान है, अपनी जो खेती है, इसको निर्जीव संपत्ति में रख रहा है अरस्तु। और जो दास लोग हैं, जो दास वर्ग के व्यक्ति हैं, उन दास लोगों को वो सजीव संपत्ति में शामिल कर रहा है, सजीव मान रहा है, निर्जीव नहीं मान रहा है। तो उसने बताया है कि ये दास प्रथा उस समय की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सहायक थी, इसलिए कि क्योंकि पूरा सारा कार्य के खेती का, पशुपालन का, जितने भी कार्य होते थे, सेवा चाकरी के कार्य, वो दासों के द्वारा ही किए जाते थे। पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन दासों पर टिकी हुई थी, इसलिए इस दास प्रथा को अर्थव्यवस्था के लिए सहायक बताया है, औचित्यपूर्ण बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि उस समय दो तरह के दास बता रहा है अरस्तु, कि एक तो दास वो होते हैं जो कानूनी होते हैं और एक होते हैं प्राकृतिक दास। तो कानूनी दास तो वो दास हैं जो सिर्फ क्या है कि दूसरे देश से आकर के रह गए हैं, जिनका बौद्धिक विकास तो हुआ है लेकिन दूसरे देश के होने की वजह से, उनको गुलाम होने की वजह से उनको दास बना दिया गया है, वो तो है कानूनी दास। और एक प्राकृतिक दास वो हैं जो सिर्फ क्या है कि सिर्फ जिनका शारीरिक विकास हुआ है, बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, वो है प्राकृतिक दास। अर्थात अरस्तु ये कह रहा है कि प्रकृति ने जो बलिष्ठ शरीर दिया है, शक्ति दी है, ताकत दी है, शारीरिक बल दिया है, वो दासों को दिया है, और जो स्वामी वर्ग के लिए जो विवेक और बुद्धि दी है, ताकि वो विवेक बुद्धि के रहते हुए शासन चला सके, प्रशासन चला सके, न्याय कर सके, ऐसा अरस्तु मान रहा है। तो अरस्तु ने दो तरह के दास बता दिए, इसके लिए उसने उस समय की दासता को शर्त से जोड़ दिया है, कुछ पालन के लिए शर्त बताई है, उस समय की सामाजिक व्यवस्था का पालन करने के लिए बताया है कि ये दासता क्यों जरूरी थी, क्यों आवश्यक थी। तो यही चीज ठहराने के लिए उसने उस समय की दासता पर कुछ क्या है कि शर्तें लगा दी। कौन कौन सी शर्तें लगाई अभी बता रहे थे कि अरस्तु ने एक तो बताया है कि जो शारीरिक बल है, पोषण जो है, शरीर की जो शक्ति है, वो तो प्रकृति ने किसको दी है, दासों को दी है। कमजोर और बुद्धि किसको दे दी है, स्वामी को दे दी है। तो ये क्या है, पहली शर्त ये है कि प्रकृति ने व्यक्ति को दो भागों में बांट दिया है, ऐसा उसका कहना है। दूसरी उसने बताया है कि ये दासता उस समय दासों की मुक्ति के लिए भी आवश्यक थी, अर्थात इसका मतलब ये था कि दास व्यक्ति यदि दासता से यदि उसमें बुद्धि क्षमता है तो वो व्यक्ति मुक्त भी हो सकते थे, ऐसा उसने माना है। अर्थात ये वो कह रहा है अरस्तु कि दासता जन्मजात नहीं है, जन्म मूलक नहीं है। यदि व्यक्ति में बुद्धि है, क्षमता है, तो वह दासता से मुक्त भी हो सकता है। अर्थात दास का बेटा दास ही हो यह जरूरी नहीं है। अरस्तु की ये बात महत्वपूर्ण आपको जाननी है कि दास का बेटा दास होगा ये कोई जरूरी नहीं है। यदि उसमें बुद्धि, विवेक, क्षमता है, बुद्ध गुण है, तो वो उसे हम दास नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे है कि अरस्तु ने एक बात और भी बताई है कि चाहे यूनान के व्यक्ति कितने ही बर्बर हैं, कैसे भी व्यक्ति हैं, लेकिन यूनान के लोगों को दास नहीं बनाया जा सकता है। और कानूनी दास तो वो है जो सिर्फ क्या है दूसरे देश से आए हैं, गुलाम बना लिए गए हैं, जो बर्बर हैं एक तरीका से, तभी उनको दास बनाया जाना चाहिए। यदि उनमें बुद्धि विवेक है तो फिर उनको दास नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ये चीज आप यहाँ समझ में आ गई होगी कि अरस्तु ने दासता के बारे में अपने विचार दिए, बताया है कि दासता उस समय की प्राकृतिक व्यवस्था के लिए जरूरी थी, उस समय समाज के लिए जरूरी थी, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी थी, और प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी थी। तो यहाँ उसमें शर्त भी जोड़ दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय के लिए तो दास्ता ठीक थी, लेकिन अरस्तु जैसे व्यक्ति के लिए इस दास्ता का उन्मूलन करना चाहिए था, क्रांतिकारी विचारों के आधार पर इसका अंत करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अरस्तु ने दास्ता का समर्थन किया है। और आज की व्यवस्था को देखते हुए, स्वतंत्रता और समानता को देखते हुए, लोकतंत्र की व्यवस्था को देखते हुए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को देखते हुए और आलोचना की गई। तो इस दास प्रथा की, अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना भी की जाती है। तो आलोचना की कौन कौन से बिंदु यहाँ देखने को मिलते हैं कि
कि अरस्तु की यदि हम दासता को लाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, समाज में विरोधाभास आ जाएगा, समाज दो वर्गों में बढ़ जाएगा, दो विरोधी गुटों में बढ़ जाएगा, समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग जो एक तरीका से कृषि कार्य में जुटा हुआ है वो दास बन करके रह जाएगा, उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा, ऐसा उसने माना है। तो ये क्या है कि आलोचना इसमें की गई है। आगे है कि ये समानता और स्वतंत्रता के विपरीत है, बिल्कुल सही बात है कि दासता बिल्कुल समानता और स्वतंत्रता के खिलाफ है, क्योंकि कभी किसी व्यक्ति को हम गुलाम बनाएंगे तो नियंत्रण में रखेंगे तो उसको स्वतंत्रता छीनेंगे, स्वतंत्रता कम होगी उसकी, या समानता नहीं रह पाएगी, समाज में भेदभाव पैदा हो जाएगा। तो ये समानता और स्वतंत्रता के भी विरुद्ध मानी गई है। अरस्तु की दासता जातिगत अहंकार की भावना यहाँ देखने को मिल रही है। अरस्तु ने एक बात कही है कि चाहे यूनान के व्यक्ति कितने बर्बर हैं, कैसे भी व्यक्ति हैं, चाहे उनका विकास हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन यूनान के व्यक्तियों को कभी दास नहीं बना जाना चाहिए। तो यहाँ इस बात को लेकर के भी आलोचना की गई है कि ऐसा लग रहा है कि अरस्तु में जातिगत अहंकार आ गया है, उसने यूरोप की यूनान के लोगों को कभी दास नहीं बनाने की बात कही है। तो ये एक जातिगत अहंकार है यहाँ पर, और इस बात को लेकर के भी अरस्तु की आलोचना की जाती है। तो यहाँ आलोचना में एक बिंदु ये भी है कि उस जहाज प्रथा को अव्यवस्था का रूप माना गया है, अव्यवस्था फैल जाएगी, समाज में अराजकता आ जाएगी यदि आज उस दास प्रथा को लाया जाता है, तो समाज का इस तरीका से विभाजन संभव नहीं है कि अरस्तु ने जैसे विभाजन कर दिया था कि एक तो स्वामी वर्ग होता है और एक सेवक वर्ग होता है। ऐसा लग रहा है कि अरस्तु ने इस तरीका का विभाजन करके ऐसा बता दिया है कि प्रकृति के पास कोई ईंट की जो ईंट की चिमनी जैसा कोई यंत्र है जिसमें एक तरफ दास ढाले जा रहे हों और एक तरफ स्वामी ढाले जा रहे हों, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, और इसीलिए अरस्तु के ये जो विचार हैं विरोधाभास लग रहे हैं। एक तरफ तो अरस्तु ये कह रहा है कि दास को मुक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए, दास का बेटा कभी दास नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहा है कि दास कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। तो यहाँ विरोधाभास देखने को मिल रहा है, और इसीलिए अरस्तु के विचारों की आलोचना भी की गई है। तो यहाँ हमने अरस्तु के विचार देखे, आलोचनाएं भी देखी, दासता पर विचार देखे, आगे की अगली वीडियो में उसके सामाजिक विचार में और भी विचार हैं, जिसमें हम देखेंगे कि परिवार पर विचार दिए हैं और एक संपत्ति पर भी विचार दिए हैं। तो उसकी सामाजिक व्यवस्था में दास प्रथा, संपत्ति के विचार और परिवार, तीनों के विचार आते हैं। तो अगली वीडियो में हम उसके संपत्ति और परिवार के विचारों को देखेंगे। धन्यवाद।